जब मैं करीब 10 साल का था तो मेरा 6 लोगों का परिवार एक बेहद छोटे से अपार्टमेंट में रहता था। ऊपर 2 बेडरूम और फिर लिविंग रूम। जब मैं अपने भाई बहनों से थक जाता तो मैं नीचे सो जाता। एक रात मैं सामने के दरवाजे के सामने सोफे पर लेटा हुआ हूँ और दरवाजे से खिड़की के माध्यम से आकाश को देख रहा हूँ, जब एक लाइटा से रोशन खिड़की में एक चेहरा दिखाई देता है। मैं जम जाता हूँ और चेहरा चला जाता है। मैं बहुत राहतमय महसूस कर रहा हूँ, ये सोचकर कि शायद हमारे नशेड़ी पड़ोसी देख रहे थे कि क्या मेरे माता पिता अभी भी जाग रहे थे जब वह फिर से दिखा। मैं चीखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब मैं आशा करता हूँ कि मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला, आवाज नहीं, वह व्यक्ति फिर दरवाजे पर लात मारता है और कमरे में चला जाता है। वह मुझे देखता है, मुस्कुराता है और रसोई की ओर जाता है। जैसे ही वह चाकू लेकर रसोई से बाहर आता है, मेरे पिताजी उसे सीढ़ियों से नीचे कर देते हैं और वह आदमी उसे वहां से निकाल देता है। मैं आज भी काउच पर आसानी से नहीं सो पाता।